आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे अक्षय तृतीया के 5 स्टिक उपाय जो आपको हर संकट से बचाएंगे और ये अजमाया हुआ नुस्खा है। अभी जो अक्षय तृतीया है वो 18 अप्रैल 2018 को है, दिन बुधवार है। अक्षय तृतीया के दिन माँ रेणुका के गर्भ से विष्णु के अवतार भगवान परशुराम अवतरित हुए थे और यही नहीं बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिसका मैंने अलग अलग वीडियो बनाया है कि कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं। अब चूंकि परशुराम चिरंजीवी हैं इसलिए स्थिति को चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया पर कई उपाय अजमाए जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी की चीज़ें खरीदी जाती हैं, इससे बरकत आती है। अगर आप भी बरकत चाहते हैं तो इस दिन सोने या चांदी के लक्ष्मी की चरण पादुका लेकर घर में रखें और उसकी नियमित पूजा करें, क्योंकि जहां लक्ष्मी के चरण पड़ते हैं वहां अभाव नहीं रहता है। अक्षय तृतीया के दिन 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रखें, 11 कौड़ी, इससे देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने की क्षमता होती है। इसका प्रयोग तंत्र मंत्र में भी होता है। देवी लक्ष्मी के समान ही कौड़ियां समुद्र से उत्पन्न हुई है। दूसरा बहुत हल्का सा और आसान उपाय आपको बता रहे हैं, अक्षय तृतीया के दिन केसर और हल्दी से देवी लक्ष्मी की पूजन करने से आर्थिक परेशानियों से लाभ मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन घर में पूजा स्थान में एकाक्षी नारियल स्थापित करने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन स्वर्गीय आत्माओं की प्रसन्नता के लिए जल कलश, पंखा, खड़ाऊं, छाता, सत्तू, ककड़ी, खरबूज, फल, शक्कर, घी ब्राह्मण को दान करने चाहिए, इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, शहद और कन्या, यह 12 दान का महत्व है। जो भी भूखा हो वह अन्नदान का पात्र है, अन्नदान का। जो जिस वस्तु की इच्छा रखता है यदि वो वस्तु उसे बिना मांगे दे दी जाए तो दाता को पूरा फल मिलता है। सेवक को दिया दान 1/4 फल देता है। कन्यादान इन सभी दानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इस दिन कन्या का विवाह किया जाता है। अक्षय तृतीया पर दान देने वाला सूर्य लोक को प्राप्त होता है। इस तिथि को जो व्रत करता है वो रिद्धि, वृद्धि एवं श्री से संपन्न होता है। इस दिन किए गए कर्म अक्षय हो जाते हैं, आता इस दिन शुभ कर्म ही करने चाहिए। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।